वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, सिंगल फेज एसी सर्किट। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 सिंगल फेज एसी सर्किट है, 8115 का आपका। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम पढ़ने लगे हैं ये बहुत ही अहम है, चाहे वो इंजीनियर्स हैं कोई भी है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ भी है, तो जब तक उसको ये बेसिक चीजें समझ नहीं आएगी, उसको पावर फैक्टर समझ नहीं आएगा। पावर फैक्टर समझने के लिए ये बेसिक चीजें जरूरी हैं। तो इनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन पर हम क्या पढ़ेंगे जी, आज पढ़ेंगे नंबर वन पे हम खालिस रेजिस्टेंस वाला सर्किट या प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, खालिस इंडक्टेंस वाला सर्किट यानी कि इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने आज ये पढ़ना है। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अच्छा जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब जी खालिस रेजिस्टेंस वाला सर्किट, ये ऐसा सर्किट होता है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस के अलावा दूसरी चीजें ना हो। मिसाल के तौर पे जो आपके होते हैं जी इंडक्टिव और कैपेसिटिव जो होती है चीजें, वो ना हो, सिर्फ खालिस क्या हो, रेजिस्टेंस हो। ठीक है ना, तो ऐसा सर्किट क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है, ये खालिस रेजिस्टेंस वाला सर्किट कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, जब हम ये सर्किट बना लेंगे, इसके बाद हमने क्या करना है, आपने एक वेव फॉर्म बना देनी है, एसी वेव फॉर्म। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसके आपके पास हैं जी चार पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन चार पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो आपके लिए मसला नहीं होगा, आपको बड़े इजीली इस चीज की समझ लग जाएगी। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एन आई आर भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टिव सर्किट, सॉरी नॉन इंडक्टिव रेजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, चलते हैं वीडियो की तरफ, चलते हैं जी। हाँ जी, अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है जी, इसके मैंने आपको बोला है कि चार पॉइंट्स हैं जी। अच्छा जी, पहला पॉइंट इसका क्या है कि आपके करंट और वोल्टेज, आपने देखा इसमें एक चीज याद रखिएगा, नोट कर लेना, कि इसमें हमने जो जिक्र करना है करंट और वोल्टेज का जिक्र होना है सिर्फ। ठीक है ना, ये एक दो, एक तीसरा टॉपिक भी है इंशाल्लाह, वो भी है खालिस इंडक्टेंस वाला, खालिस कैपेसिटर वाला सर्किट में। इन तीनों में सिर्फ एक ही चीज नोट कर लें आपके, हमने जिक्र इसका करना है। ठीक है ना, अब वो इसमें क्या कहता है कि करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। ठीक है ना, करंट और वोल्टेज क्या होते हैं जी, इन फेज होते हैं, यानी कि एक ही फेज पर होते हैं। इन फेज मतलब, ठीक है ना, एक ही फेज पे होती है, दोनों के दरमियान कोई एंगल मौजूद नहीं होता। पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है जी, ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज एंगल सिफर होता है, या एंगल या थीटा आपका जीरो होता है। ठीक है, या करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज होती हैं। पहला पॉइंट आपने ये लिख देना है। नंबर दो पॉइंट पे आपने क्या लिखना है जी, कि पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर लिख दें, या आप लिख दें कॉस फाई, क्या होता है, यूनिटी या वन। ठीक है, यूनिटी या वन होता है। अच्छा जी, उसके अलावा आपने क्या करना है जी, इसका तीसरा पॉइंट आपने लिखना है जी, तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है कि इसका R इज इक्वल टू जेड होता है। R इज इक्वल टू इसमें क्या होता है, जेड होता है। क्यों होता है कि आप ओम लॉ को देखें, R इज इक्वल टू वी ओवर R, हमने ओम लॉ के अंदर पढ़ा भी था कि खालिस रेजिस्टेंस वाले सर्किट में आपका ओम लॉ लगता है एसी में, अदरवाइज और किसी में नहीं लगता। क्योंकि देखें इसमें क्या है, आपकी इम्पीडेंस का, हम जब एसी की बात करते हैं वहां इम्पीडेंस का जिक्र होता है, वहां रेजिस्टेंस हम नहीं लिखते। इम्पीडेंस क्या चीज होती है, जेड, ये आपकी क्या है जी, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस का जिक्र जहां आ जाए वहां आपकी तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आर, ठीक है, एक्सएल और एक्सी। ये हम देखेंगे बाद में कि एक्सएल और एक्सी चीज क्या है, ये इंशाल्लाह आपको बाद में समझ आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। खैर, आपने पहला पॉइंट क्या लिखना है कि करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। नंबर दो पॉइंट क्या है जी, पावर फैक्टर इसका यूनिटी या वन होता है। क्यों वन होता है, क्योंकि देखें अगर इनके दरमियान कोई फेज एंगल या थीटा बनेगा तो पावर फैक्टर आपका ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये मजीद आपको समझ आ जाएगी कि पावर फैक्टर वन क्यों है इसके अंदर। इन फेज की समझ आ गई, इन फेज है तो इसका मतलब वन नहीं है, इन फेज नहीं होगा तो इसका मतलब पावर फैक्टर आपका वन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, आर इज इक्वल टू जेड होता है। इसमें देखें इम्पीडेंस है, सॉरी आपकी कोई एक्सएल और एक्सी नहीं है, या
इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड नहीं है, इसलिए जेड इज इक्वल टू आर होता है। इसलिए क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर होता है आपका। ठीक है डेयर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर तीन जी। इसके अंदर फार्मूला आपको क्या होता है जी, पावर मालूम करने का जो फार्मूला होता है, पावर मालूम करने का फार्मूला, ठीक है, वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी, सॉरी पी इज इक्वल टू आई वी, ठीक है, ये होता है फार्मूला। इसी से आप दूसरे फार्मूला निकाल सकते हैं कि दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, आई स्क्वेयर आर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, इससे अगला फार्मूला क्या बनेगा, वी स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है। ये एक अलग कैलकुलेशन है कि हमने इसको करना किस तरीके से, इजी है बराबर। यहां आपने क्या किया, वी की जगह पे वी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो इधर आई आर पुट कर दिया, आई स्क्वेयर हो गया और आर आ गया, ठीक है। अब इधर क्या है जी, आई क्या होता है, वी ओवर आर होता है, तो आर आर से खत्म हो जाएगा, वी स्क्वेयर आ जाएगा, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। और नीचे एक आर बच जाता है, ये इस तरह बन जाता है, ठीक है। इसमें पावर फैक्टर या कॉस थीटा नहीं होता। कॉस थीटा क्यों नहीं होता इधर, क्योंकि वो पहले ही यूनिटी या वन हो जाता है। अगर इधर हम कॉस थीटा लगा भी दें तो वो क्या हो जाता है, इज इक्वल टू वन होता है, वन इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये आपको समझ लग गई है, अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से समझ लेगा जो मैंने आपको बताया, ये आपको बड़ा काम आएगा, ठीक है। या फिर इसको हम नेक्स्ट कर लेंगे, मैं इसी को फिर आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनना लंबी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्या कहा आपको, एक खाली इस रेजिस्टेंस वाला सर्किट बना ले, ठीक है। ये बनाने के बाद इसमें क्या होता है, आपका अल्टरनेटिंग साइकिल की एक डायग्राम बना ले, उसके बाद आपने चार पॉइंट्स लिख देने हैं। चार पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कि करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, इनके दरमियान कोई एंगल या थीटा नहीं होता। पहला पॉइंट ये लिखना है आपने, पावर फैक्टर का एंगल नहीं होता कोई इनके दरमियान, तो ये देखें फाई एंगल होता है, एंगल तो इनके दरमियान होता नहीं, इसलिए क्या होता है आपका पावर फैक्टर यूनिटी या वन होता है। नंबर तीन, इसमें आपका कोई कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड नहीं होता, इसलिए आर इज इक्वल टू जेड होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इम्पीडेंस के इक्वल होती है, जेड क्या होती है इसमें, इम्पीडेंस होती है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा पावर मालूम करने का इसमें फार्मूला होता है, पी इज इक्वल टू आई वी कॉस थीटा, पी इज इक्वल टू आई वी कॉस थीटा होता है, ठीक है, आई वी कॉस थीटा होता है। लेकिन कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा आपका पावर फैक्टर, उसने कहा ये वन होता है, वन होता है, तो आपका फार्मूला क्या बना, पी इज इक्वल टू आई वी, तो फार्मूला आपका क्या बना, पी इज इक्वल टू आई वी लगा दें, इसको मल्टीप्लाई एक करवाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं किस किस्म की वीडियो चाहिए, और हमारे जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल के ऊपर, कमेंट्स करें और अपनी राय हमें बताते रहें, आपको किस किस्म की वीडियोस चाहिए हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।